फ्रेंड्स, ईवीएस 95 पेंशन धारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ईवीएस 95 पेंशन धारियों को मिला यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सपोर्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, देश के 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारियों की पेंशन में बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है कि उनके पापा आनंद सिंह भी एक ईपीएस पेंशन धारी थे, फिलहाल उनका स्वर्गवास हो गया और उनकी यह अंतिम इच्छा थी कि उनके साथ 65 लाख पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी दिखाई दे। खैर, ये संभव नहीं हो पाया। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी ईवीएस 95 पेंशनर्स को 7,500 प्लस डीए दिया जाए। सभी पेंशनर्स और इनके परिवार को फ्री मेडिकल सुविधा दी जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को योजना में शामिल किया जाए और 5,000 का न्यूनतम मासिक पेंशन दी जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, और आगे कहा गया है कि उनका पुत्र होने के नाते ये पहला कर्तव्य है कि मैं उन 65 लाख पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी करवाऊँ ताकि मेरे पापा की आत्मा को शांति मिले। जी हाँ फ्रेंड्स, और उनकी अंतिम इच्छा भी पूरी हो सके, इसी कारण मैं राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक रावत के हर प्रयास का हिस्सा बनूंगा। और यह सारी जानकारी मुख्यमंत्री योगी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की। जी हाँ फ्रेंड्स, उनका कहना है कि ईपीएस 95 पेंशन धारियों की सारी मांगें वाजिब हैं और साथ ही यह भी उनका हक है, और अपने हक के लिए लड़ना गुनाह नहीं बल्कि अपना फर्ज मालूम होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं 65 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारियों और राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष अशोक रावत के साथ पेंशनधारी के हर हक के लिए लड़ूंगा। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है।